ये नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि जो आपके जो वीडियोस फाइल होते हैं या फिर कोई भी रॉ फाइल होते हैं, जैसे कि वीडियोस रिकॉर्डिंग कराए आपने, प्रैंक वीडियो बनाते हैं या फिर कोई सा भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, या फिर आपके पास ऑडियो है जो कि हाई क्वालिटी का है और ज़्यादा MB का है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको जो कि आप कैसे जो है अपने वीडियोस की जो है या फिर ऑडियोज़ जो फाइल है, रॉ फाइल आपकी, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल कम MB में दोस्तों, और वो भी बिना किसी वीडियोस की क्वालिटी को घटाए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे दोस्तों आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रॉ HD फाइल को बिल्कुल HD में ही बिना क्वालिटी घटाए कम MB में। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। तो दोस्तों जो ये सॉफ्टवेयर है इसका नाम है हैंड ब्रेक। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये हैंड ब्रेक एक फ्री सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि जो है आप जिससे कि अपने जो रॉ फाइल होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल बिना क्वालिटी घटाए। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अपने क्रोम में, तो हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक मैंने जैसे ही टाइप करा तो दोस्तों यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा यहाँ पे तो ये जो है वेबसाइट खुल गया इसका, और ये 64 बिट के लिए भी है और ये 32 बिट के लिए भी है। तो 32 बिट के लिए जैसे कि यहाँ पर नहीं आ रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये आप 64 बिट का अगर आपका सिस्टम है तो आप 64 बिट के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ fileipod.com, तो यहाँ से मैं जो है अपने सिस्टम के लिए 32 बिट का जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो कि 9.62 MB का है, बहुत कम MB का दोस्तों, लेकिन ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिससे कि मैं पहले भी यूज़ करता था जब मेरे पास जो है कम स्पेस का जो मेमोरी कार्ड था उसमें मैं अपने वीडियोस वगैरह को सेव करने के लिए जो मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता था, जिससे कि मैं वीडियोस को कन्वर्ट करके जो है कम साइज़ में रख के अपने मेमोरी कार्ड में सेव करके रखता था। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, ये 9.61 MB का है, तो ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए हमारी जो है डाउनलोड हो गया है ये फाइल। डाउनलोड होने के बाद ये हमारे यहाँ प्रोग्राम में आया, तो ये हैंड ब्रेक इस कुछ ऐसा है जिसमें कि पाइन एप्पल का है और एक जूस के गिलास का जो है आइकन बना हुआ है, ये देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसे जो है पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हम अपने सिस्टम पर। इंस्टॉल करना तो दोस्तों मेरे को जहाँ तक पता है सबको आता ही होगा। तो मैं इंस्टॉल करने के बाद जो है इस वीडियो को चालू करता हूँ, तब तक के लिए पॉज करता हूँ। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा ये है यहाँ फिनिश करने का आ गया ऑप्शन, और ये जो हमारा इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ पहले, और इसे ओपन करना है आपको। यहाँ पे ओपन करने के बाद जो है आपको इंटरफेस में दिखा देता हूँ कि जो इसका इंटरफेस है हैंड ब्रेक का वो कैसे दिखता है। तो ये ओपन होने में कुछ टाइम ले सकता है। तो जैसे देख सकते हैं कि ये जो ओपन सोर्स फाइल है जो हमारा ये हो गया है यहाँ पे ओपन, तो इसका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ से जो है आपको वीडियो जो है ऐड करना है, आप इस पर जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी जो है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं फाइल को, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे ऐड, आपको यहाँ पे आना है ओपन सोर्स पे और यहाँ पे क्लिक करना है ओपन अ सिंगल वीडियो फाइल। तो जैसे मैंने पहले से यहाँ पर जो एक मेरा ट्यूटोरियल था पहला वाला जो, वो मैंने यहाँ पर जो है सेव करके रख रखा है, उसे मैं यहाँ से करता हूँ। तो ये वीडियो मोनेटाइजेशन वाला फेसबुक वाला, तो इसे ओपन करना है, आप इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी जो है यहाँ पे ला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये देखिए हमारा जो यहाँ पे 4 मिनट ये जितने भी है वीडियोस, ये सब चीज़ यहाँ पे आ गया है, इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमारा शो हो गया। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ प्रीसेट हैं जो कि ये हमें खुद जो है रिकमेंड कर रहा है कि आप इसमें से भी जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आप ले सकते हैं अगर यहाँ से चाहे तो। मैं जो अपने यहाँ पे खुद का एक प्रीसेट बनाना चाहूँगा, जो कि प्रीसेट बनाने के लिए तो दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए जितने भी है फॉर्मेट वगैरह ये सब यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ पे जो है ये क्रॉपिंग का दिखा रहा है किधर से आप क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं। तो जैसे इसके बाद हमको जाना है फिल्टर पर, तो जब हम फिल्टर पर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो फिल्टर से रिलेटेड जितने भी है वो सब यहाँ पर दिखाने लगे। तो वीडियो पर जाना है आपको, वीडियो में जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको फ्रेम रेट दिखाएगा,
तो जैसे ये 30 हमें जो है डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, तो मैं आपको पहले देख लेता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो किस फ्रेम रेट पे जो है ये शूट हो रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वीडियो का जो है प्रॉपर्टीज़ पे गया, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे जाना है डिटेल में। तो डिटेल में जब हम जाएंगे यहाँ पे, तो दिखाइए दोस्तों यहाँ पे जो फ्रेम रेट दिखा रहा है वो 29 फ्रेम पर सेकंड दिखा रहा है। तो 29 पॉइंट जो पर सेकंड होता है वो 30 ही माना जाता है, इसीलिए 30 हमें जो है डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। तो आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं, और ये 30 पर रहना चाहे 30 पर रह सकता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जाना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगला आ गया है वीडियो वाला, जो आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे जो वीडियो कोडेक है ये आप जो है ये इसे डिफ़ॉल्ट ये जो आ रहा है इसका H.264 ये रहने दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है बेस्ट कोडेक जो है ये है वीडियोस का है। तो दोस्तों ये आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आप ऑडियो पे देखें, तो ऑडियो पे जो है आप यहाँ पे ऑडियो के जो बिट रेट हैं वो भी सेट कर सकते हैं। जितना आपका ज़्यादा बिट रेट रहेगा वो दोस्तों वो जो ऑडियो होगी वीडियोस की वो बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों ये जो है मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ 160। तो आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये आगे सब टाइटल और चैप्टर है, तो दोस्तों इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। आप चाहें तो सब टाइटल कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ वीडियो पर जाना है, और ये वीडियो पर रहने के बाद हमें जो है यहाँ पर जाना है, यहाँ देखिए आप क्वालिटी। तो दोस्तों ये जो क्वालिटी है ये डिपेंड करता है कि जितना आप इधर, जैसे यहाँ लिखा है लोअर क्वालिटी और यहाँ पे प्लेसो क्वालिटी, तो जैसे आप यहाँ पे इसे बैक करेंगे तो ये जितना इधर आप करेंगे तो आप जो है क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जो दोस्तों आपके जो है साइज़ वो कम हो जाएगा। लेकिन तो दोस्तों ये क्वालिटी के ऊपर जो है आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कि अगर आपको क्वालिटी अगर ख़राब चाहिए तो आप जो है कम करके जो है अपना कंप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऐसा होता है बेस्ट क्वालिटी जो होता है वो 20 पर रहने दीजिए दोस्तों। या जैसे आप यहाँ पे अपना जो है माउस कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाने लग जाएगा। जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है 18:24 स्टैंडर्ड डेफिनेशन सोर्स एंड 22:23 जो है फॉर हाई डेफिनेशन सोर्सेज। तो दोस्तों मैं इसे जो है 20 पर रहने दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप थोड़ा सा आप कम करके भी देख सकते हैं, और चाहें तो अगर हाई डेफिनेशन चाहिए तो आप 20 से जो है ऊपर जा सकते हैं 2-3। तो दोस्तों मैं जो इसे डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा वो 20 पर रहने दूंगा, जो 20 है वो बेस्ट है। तो दोस्तों ये जो हमारा हो गया, इसके बाद जो हमें यहाँ पे अगर करना है, जितने भी मैंने इसमें जो सेटिंग करे हैं, अगर आप चाहते हैं कि, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मैंने ये पिक्चर वाले ऑप्शन पर जो है यहाँ पर जो ये टॉप में जो है क्रॉप करने का जो है ये 16 आ रहा है 16, तो मैं इसे जो है यहाँ 0 कर दूंगा, क्योंकि जो मैं कहीं से भी कुछ भी नहीं चाहता कि जो है मेरा क्रॉप हो वीडियो का। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया इसे। तो 0 करने के बाद जो है आपका ऑटोमेटिक में अगर 0 आ रहा तो आपका बहुत बेस्ट है, अगर नहीं आ रहा तो आप कस्टमर करके जो है आप उसे 0 कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, जितने भी मेरे प्रीसेट जो है मैंने एक तरीके से अपना क्रिएट करा है। इस प्रीसेट को अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं जो है फ्यूचर के लिए सेव कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो है ऐड पर करा क्लिक, तो यहाँ पर ऐड प्रीसेट, तो यहाँ पर नाम आ रहा है। तो जैसे मैं अपना नाम देता हूँ माय प्रोजेक्ट प्रीसेट, तो मैंने ये प्रोजेक्ट ये प्रीसेट नाम दिया और इसे कर दिया है यहाँ पे ऐड। तो जैसे मैंने ऐड पे क्लिक करा, तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन मैंने करा, तो यहाँ देखिए यूज़र प्रीसेट माय प्रोजेक्ट प्रीसेट यहाँ पे जो है ये सेव हो गया है। फ्यूचर में अगर मैं कभी भी वीडियो जो है कंप्रेस करना चाहूँ तो ये प्रीसेट में क्लिक करूँगा, तो जितने भी मेरे ये सेटिंग मैंने अभी करे हैं वो सेटिंग जो है आगे भी यही सेम हो जाएगा अपने आप ही, मुझे बार बार जो है वो प्रीसेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने ये कर दिया, इसके बाद जो है यहाँ पे एक मस्त सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ प्रीव्यू। तो जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इस वीडियो की जो है वो प्रीव्यू दिखा देगा कि जो आपके जो आपने प्रीसेट क्रिएट करा उसमें जो है कैसा है। तो मैं जैसे यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि आप कितने देर का जो है प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, ये जो है थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, इसके बाद जो है आपको प्रीव्यू दिखाएगा। दोस्तों ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एनकोडिंग करने का जो है, जिसे आप जो है कंप्रेस कर सकते हैं अपने वीडियोस फाइल को है बिना क्वालिटी को लूज़ करे। तो दोस्तों ये बेस्ट है एकदम। दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो है वो प्रीव्यू है वो तैयार हो गया। तो ये प्रीव्यू हमारा देखिए 5 सेकेंड का दिखा रहा है यहाँ पर, 5 सेकेंड तो देखिए, यह मेरे स्पेसिफिकेशन जो कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन उसके वजह से जो है ये वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसीलिए दोस्तों, क्योंकि यह डेफिनेशन इसकी क्लैरिटी में आप देख सकते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लिया प्रीव्यू आपने। तो चलिए इसके बाद जो हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस करने के लिए जो है आपको यहाँ पर स्टार्ट एनकोडिंग आ रहा है यहाँ पर,
तो इससे पहले जो है हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है चूज़ करना है, तो डेस्टिनेशन मैं यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ पे जो है इस फाइल का नेम दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसे डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे करने के बाद इसे यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्ट। टेस्ट पे जैसे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे कर दिया सेव, तो ये है हमारा जो है ये डेस्टिनेशन यहाँ पे सेव होगा। तो इसके बाद हमें करना है स्टार्ट एनकोड। तो जैसे हमने स्टार्ट एनकोड पे करा तो यहाँ पे प्रिपेयर टू एनकोड पे आ गया है। दोस्तों ये जो है आपके वीडियो क्वालिटी और जो है वीडियोस के साइज़ पे डिपेंड करता है और आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका सिस्टम जो है वो कैसा है। इसके बाद जो है आपका जो ये जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो मैं वीडियो को यहाँ पे रिज्यूम करूँगा और आपको दिखाऊँगा जो है वीडियो की क्वालिटी कंपैरिजन और जो है साइज़ कंपैरिजन दिखाऊँगा कि जो है कितना जो है हमारे फ़र्क आया वीडियोज़ की क्वालिटी में और जो है फ्रेम रेट में और यहाँ जो साइज़ में। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियोज़ को, मैं इस प्रोड्यूस होने के बाद जो है इस वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। इसमें जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, तो दोस्तों देखिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए और चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैं बता दूं कि आपके पास जो है एक फेसबुक का पेज होना जरूरी है। अगली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या, वीडियोस है वो 3 मिनट का होना चाहिए और 3 मिनट का व्यूज वीडियो जो होगा उस 3 मिनट के वीडियो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Till I get up, time is barely on our side.